चौक से 24 का एग्जिट पोल का सफर लगातार जारी है। हम जींद जिले के विधानसभा क्षेत्र जुलाना में मौजूद हैं और जुलाना का ये गांव अब गोविंदपुरा हम यहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, हुक्का भी है और ताश भी खेल रहे हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। 24 का क्या कुछ रुझान है उसके बारे में जानकारी लेंगे। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपनी तैयारियों में लगे हैं। इनेलो भी अपनी तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी जेजेपी सरकार में है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको 24 में कौन बनेगा? 24 में मैं तो एक बात चाहूँ जी, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। बीजेपी ने मारे, देखो मन भी रहे हैं, हमारी जी डांडा साहब कुछ नहीं करा। बदलाव होना चाहिए जी, देखो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। बदलाव से क्या फायदा? बदलाव से ये फायदा जी, हर एक चीज का बदलाव होना चाहिए। हर एक चीज देख, बदलाव में मजबूती हो। तो बदलाव तो ये भी है, ये जेजेपी वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे दुष्यंत चौटाला को। नो जी, ये मनने के लायक नहीं जी। 10 सीट लेके गया, ये गलत गया जी। एकला अपनी तरफ रहो नहीं, फिर तो बन जाओ जी, ईम नहीं बनेगा जी। तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके इन्होंने गलत करा? हाँ गलत करा जी। क्यों गलत क्यों करा? सरकार बनी है। एक बताओ जी, उड्डा साहब ने ये पता नहीं था कि अपनी इतनी सीट आ जाएगी। उड्डा साहब ने पता है कौन था इतनी सीट आज? इपकाले उड्डा जी, क्लियर उड्डा ही होगा जी। चलो आगे बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम बताओ? मदन लाल। मदन लाल, मदन लाल जी, आपको क्या लगता है 24 की तैयारियां सारे सियासी दल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में कैंडिडेट पर है जी, तो हाँ जो सही कैंडिडेट होगा उसको देंगे। और जो बीजेपी जेजेपी की सरकार अब चल रही है उसके बारे में क्या कहोगे, कैसा काम कर रही है? काम के कर रही है, कागजा उड़ जाके गिर दिए, कागजे नहीं पूरे हो रहे, अरे होंगे भी कोई नहीं, काम कुछ कोई कितने जाले बनता ही नहीं। अच्छा, ये जो जुलाना है जींद जिले में, जुलाना विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से जेजेपी का विधायक आपने चुना था और बीजेपी जेजेपी चुनाव के बाद हो गए इकट्ठे, तो उसका कोई नुकसान हुआ या तुम्हें कोई फायदा हुआ? हमने कोई नुकसान नहीं, फायदा भी नहीं हुआ ना, नुकसान तो है, कोई अंदा ही नहीं हो रहा है, गाँव में तो कोई आया ही नहीं बने पक्ष। आपके विधायक गांव में आए नहीं? कोई नहीं आया। चुनाव के बाद से अब तक कभी विधायक गांव में नहीं आए? एक बार भी नहीं आया। और डिप्टी सीएम? डिप्टी सीएम वो भी कोई नहीं आए, वो भी कोई नहीं आए। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि चुनाव से पहले तो जेजेपी वाले बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और फिर साथ हो गए। वादा तो कर्जे हैं, अंधे तो है ही नहीं, क्या फायदा है उसका। और जो बुजुर्ग पेंशन है उसको लेके भी लगातार लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग तो हमारी तो बनी ही नहीं है, इनकी बन रही है। तो बननी चाहिए, 5,000 होने चाहिए? 5,000 नजायज है, होने तो चाहिए, हमने तो मिल जाता फायदा है, फिर नजायज है। अच्छा, तो ये जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, आपको क्या लगता है 2024 में बना रहेगा? मारे नजर मत बनना नहीं, टूट जाएगा। हाँ टूटेगा, जब चुनाव आएंगे तब टूट जाएगा। टूटेगा, आराम से टूटेगा। अच्छा चलो, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये पीछे बैठे हैं थोड़ा सा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, प्रताप। प्रताप, आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव के लिए? कुछ नहीं लगता। अच्छा, कोई बनिया नहीं। ये जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनके कामकाज के बारे में क्या है? कुछ नहीं काम है, कुछ नहीं। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बारे में? और ठीक था सर, उन्होंने ठीक है, शुरू में ठीक था। हाँ, इब कोनी मारकांड इब भी ठीक के है। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा, जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है वो जारी रहेगा 2024 में? टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्यों है तो कह रहे हमारा तो गठबंधन मजबूत है। कोनी मजबूत कोनी? अच्छा, अपने विधायक के बारे में क्या कहोगे, अमरजीत डांडा के बारे में? डांडा भी चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका आपका नाम क्या है? हरी सिंह। हरी सिंह, हरी सिंह, आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा, प्रदेश में परिवर्तन होगा कुछ? हम तो नहीं मानते परिवर्तन होगा। अच्छा, बीजेपी जेजेपी की सरकार सही है, यही आनी चाहिए? आनी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए, भाजपा को देंगे हम। अभी तो भाजपा और जजपा की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, तो ये बना रहेगा 2024? चलो, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? दीवान सिंह। दीवान सिंह, दीवान सिंह जी, आपको क्या लगता है क्या रुझान है? बीजेपी का रुझान है हमारी तरफ। बीजेपी का रुझान है,
और जेजेपी के बारे में? बहुत कुछ किया इसने, इतनी रोडे सड़कें बना दी, हाईवे बना दिए, रेलें चला दी, और के कर लेंगे बता। अच्छा नहीं, सरकार तो बीजेपी और जेजेपी की है, बार बार इस तरह की बातें भी आती है गठबंधन टूटेगा, तो आपको क्या लगता है गठबंधन टूट जाए? कोई बात नहीं, बीजेपी आनी ही आनी है। अच्छा दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या कहेंगे अब? वो जेजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि भाई चौटाला यहाँ तो कभी आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया आज तक, हमने देखे नहीं। 85 साल की उम्र होगी मेरी, 85 ईयर्स ओल्ड, हमने नहीं देखा। और आपका गांव जींद से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर है। गांव में कभी नहीं आए? हाँ गांव में मंडी, अनाज नई अनाज मंडी गांव में रही, जब कभी आए कोई नहीं आया। कोई समस्या सुनने नहीं आता? ना ना समस्या कौन सुनने आता। अच्छा तो जैसा पिछली बार गठबंधन हुआ था, दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाई अपनी जेजेपी, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो बीजेपी के साथ जब इनका गठबंधन हुआ वो गलत करा था, गलत फैसला था, सही था? उसने अपने बहुमत के लिए गठबंधन कर लिया भाजपा ने। अच्छा। भाजपा ने अपनी मेजोरिटी दिखाने के लिए उसके साथ गठबंधन कर लिया जी। तो जेजेपी का इसको फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा ही है जेजेपी को, मुख्यमंत्री पद मिल गया। अच्छा और आपका क्या नाम है? हवा सिंह। हवा सिंह, हवा सिंह जी आप बताओ 2024 को लेके क्या रुझान लग रहा है? मैं तो हूँ संपूर्ण भाजपा ने जी है, हाँ पूरा देश में। जेजेपी से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, हमने जो तुम्हारा है हमने बताने ला रहे, हमने सकलते ही देखे अलग है। हाँ नहीं जेजेपी में तो ये कह रहे हैं ना कि दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर सारे काम होंगे, 5100 रुपए पेंशन कर देंगे। सीट तो उसकी सारी थोड़ी आई थी, वो पूर्ण बहुमत मिलेगा जदे मुख्यमंत्री। नहीं पिछली बार उसकी 10 सीटें आई जेजेपी की, इस बार कितनी आएंगी? कोनी आंधी का इतनी कोनी आंधी, 10 भी घटते रहेंगी। अच्छा परेशान हो रहे हैं उन तभी। अच्छा उनसे क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? जो वायदे करे थे वो पूरे करे नहीं, किसे जहाँ से बन रहे हैं वहाँ भी नहीं गए हैं, और जहाँ ना बन रहे वहाँ तो जाना ही नहीं था। जहाँ से बन रहे हैं वहाँ जाते नहीं, जहाँ बन रहे हैं वहाँ भी। हमारा तो हमारा गांव है ना जुलाना हल्का में लगा है, तो जुलाना हल्का में तो वो बन रहा है जेजेपी है। तो आपके विधायक नहीं आते हैं? ना हमारा विधायक देखो वोट मांगना आ था, उसके बाद वो भी नहीं आया विधायक। क्या क्या कहेंगे अपने विधायक अमर जी डांडा जी को, क्या कहेंगे? बक्के तो कह दो गाँव की थोड़ी बहुत सूझ बूझ लेवाणा की कोई कंप्लेंट है वो पूरी करें, तो आगे तो फिर तो को लोग वोट भी देवे। तो कितने विकास कार्य हो रहे हैं या विधायक नहीं आ रहे तो उससे विकास कार्य भी नहीं हो? विकास कार्य कोई नहीं हुआ, इवन लाले इक मारा जोड़ खुद है बस, और हमारा काम कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सिर्फ इस ग्रांट मिलेंगे तो उनकी कोई तसल्ली नहीं है, मतलब इस गाँव में सिर्फ एक जोहड़ की खुदाई हो रही है बाहर, उसके अलावा और कुछ नहीं? ना। आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, गोविंद भाई जी आप बताओ साल 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सरकार बदलेगी? बदलेगी जी। अच्छा इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं आप? ना जी हम तो कोई खुश नहीं है, वो बाकी ठीक कर रहा है ना जो भी कर रहा है, हम तो वोट देंगे तो बीजेपी नहीं देंगे। बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जेजेपी नहीं दी ना जी, जेजेपी को नहीं देंगे ना जी। जेजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी है वो पिल्शन बुढ़े हैं, पिल्शन का तबला 5100 होगी 2700 है। अच्छा तो इस बात को लेकर नाराजगी है? नाराजगी है हमारा सारी की है। तो बीजेपी कर देगी 5100? केबरा करा ना करा हम तो बीजेपी का देंगे, और बुढ़े पिल्शन हो जाए नहीं 5100 है हम तो राजी हैं। अच्छा तो दुष्यंत चौटाला से नाराज हो? हाँ नाराज हम तो, इतना बटन भी कौन दिया हमारा कौन सा आया यू? नहीं पिछली बार तो 10 सीटें मिली थी, तो इस बार ये कह रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री को नांदी जी। अच्छा 4 भी नहीं आएंगी? 4 भी नहीं आऊंगी। ऊंचा ना मतलब बटन भी कौन देंगे जहाँ से वो विधायक हैं? हाँ और तो बटन भी कौन देंगे इसने? वो तो कह रहे हैं वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते थे। या तो आपका लो चाहिए ताऊ मोहल्ला कह दे कौन बटन नहीं कौन देता इसने तो। अच्छा उचाना में घुसने नहीं देंगे? घुसने कौन दे? और यहाँ से भी विधायक जेजेपी के हैं जुलाना? ना जी ना ना, आड़ा तो खाता है कौन, खाता ही नहीं खुले? ना 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 जुलाना, आड़ा तो हम तो देंदे नहीं। यहाँ इस गाँव में कितना विकास हुआ है सरकार में? हमारा तो कुछ नहीं हुआ जी। विधायक आते हैं कभी गांव में? वो ही ठीक था के नाम है उसका, वो ढूल था वो। हाँ। वो ब्याह माना मरगत में कार्ड कूट दिया करते, वो आए जा करता यू तो इसका कार्ड भी करा दे क्या वहाँ, यू तो आंदा भी कौन?
क्या लग रहा है इस बार फिर यहाँ इनेलो को इस बार कुछ मिलेगा? इनेलो का गढ़ रहा है जैसा जुलाना महिला इनेलो का तो देखो जी आंदा नहीं। तो इस बार बीजेपी को मौका मिल सका? हाँ बीजेपी का मौका मिल सका, को ठीक सांसद मिला नहीं ठीक ठाक है तो बाकी मिल सके मौका जी। तो बाकी हमारा गांव में कांग्रेस का जोर से जी, कांग्रेस का जोर है। चलो और बाकी आसपास के गांव में? आसपास का हम तो देख इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जी, हमारा गांव की कैसका जिसका जोर है नी हम तो वह अपना गांव की कैसका जी। अच्छा, आप कह रहे हो बीजेपी का ठीक है जेजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी जेजेपी का तो पर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है और वो अगर बना रहा तो बना रहा तो वो देखो जी बना रहा तो हमारा गांव में तो तुमसे वोट आने वो तो आवेंगे और पाछा तो आए तो नहीं। लगता क्या है आपको, क्या गठबंधन बना रहेगा? ना जी कौन बने कौन ही बने, टूट जाएगा। हाँ टूटेगा। कद टूटेगा? लोकसभा चुनाव तो पहले के बाद में इस चुनाव में टूटेगा, लोकसभा वाले में टूट जाएगा, मतलब अलग अलग जाएंगे विधानसभा। हाँ हाँ जी इसमें तो टूटेगा। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। तो सुना आपने ये गांव गोविंदपुरा के लोग और यहाँ पर खास तौर पर जेजेपी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर के खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। जिस तरीके से लोग यहाँ पर ये बताते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं उनके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी इनके पास खुशी में ना गम में पहुँचते हैं और ना ही चुनाव में, जिस तरीके से जब उन्होंने वोट लिए उसके बाद से अब तक यहाँ पर नहीं आए, तो अपने वर्तमान विधायक को लेकर के भी खासी नाराजगी यहाँ पर लोगों में देखने को मिली। चौक से 24 का एग्जिट पोल का सफर हमारा जारी है। अब हम गांव घिमाना में हैं, गांव के अंदर पहुंच चुके हैं, कुछ बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साल 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ इनकी राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। राम राम ताऊ जी, नाम क्या है आपका? जोरा सिंह। जोरा सिंह, आप कई सालों से वोट डाल रहे होंगे, इस बार भी तैयारियां कर रही है पार्टी, इस बार तो काफी पहले से, एक साल है चुनाव में पर तैयारी अभी से चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको 2024 में बदलेगी सरकार? मुश्किल है। मुश्किल है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, इस बार बीजेपी और जेजेपी की सरकार बनी, दो पार्टियों की सरकार है, बार बार गठबंधन टूटने की बात भी सामने आई, तो क्या गठबंधन में आएंगे? हरियाणा स्टेट में तो बदल जाएगी। अच्छा। सेंटर की बात है, सेंटर में मुश्किल नहीं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में तो बदलेगी। बदलेगी। एक और बुजुर्गों के लिए खास बात ये कि बुजुर्गों की पेंशन का वादा करा था 5,000 का दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी नई पार्टी बनाई थी, बीजेपी को पानी पीपी का कोसते थे, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, वो फैसला गलत था ठीक था? वो तो धोखा देगा हमने पब्लिक ने। अच्छा। जेजेपी वाला तो धोखा, दुष्यंत चौटाला ने धोखा दिया? हाँ धोखा दिया है, उसका तो खिलाफ हमने वोट दिए बीजेपी का और वो फिर उससे मजा मिला। तो पिछली बार तो 10 सीटें आई थी किसकी? जेजेपी की। 10 सीटें वहाँ बताऊँ वो नहीं दी थी, वो इनका खिलाफ हमने बीजेपी का खिलाफ वोट दिए थे जेजेपी के वोट, इसलिए। तो इस बार क्या मानने, फिर पिछली बार 10 सीटें आई थी, इस बार कितनी आ जाएंगी? समान जीरो जीरो। अच्छा वे तो कह रहे हैं कि जेजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 90 ले जाएंगे, उनका क्या है कहानी है, तो मैं तो कमाएंगे। अच्छा। नहीं क्या नुकसान, कोई फायदा नहीं हुआ इस बात का? कोई फायदा नहीं, झूठे 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 वादे, टोटली झूठे वादे। अच्छा मैं और भी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी, हाँ। नहीं लो वो कह रहे हैं कि युवा देवीलाल है, दुष्यंत चौटाला है। अच्छा कुछ और भी बुजुर्ग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शक्ति है जी। शक्ति। शक्ति आपको क्या लगता है 2024 में हरियाणा सरकार बदलेगी? किसकी आवेगी? हुड्डा की आएगी, हुड्डा की सरकार आओगी। इस सरकार में क्या खोट है? सारा खोट है। क्या खोट है फिर? जितने बार देख रहे रोज कागज ठहरे हो, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी कुछ है ही नहीं। बुजुर्ग हमारा क्या ज्ञान बता, आज फोन नंबर दे दिया, आज बैंक में ये कर दिया, आज ये कर दिया, नहीं बड़का तो हो जाए हमारे, हमने क्या बताया उसका, आज ये फोन में ये होना चाहिए, फलानी चीज होनी चाहिए, हमारा बस की बात नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा एक 2019 में एक नई बात आई थी कि भाई ताऊ देवीलाल की छवि है दुष्यंत चौटाला में, इसलिए 10 सीटें भी जीत ली थी, पर बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला गलत था ठीक? बिल्कुल गलत था, लोग बिल्कुल नाराज है, हम तो खुद नाराज। क्या उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला से आप? जो वादे किए उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया उसने। जैसे कि 5100 रुपये पेंशन, सिंधी बुजुर्गों की पेंशन थी वो भी निकली, सिर्फ 500 रुपये 250 रुपये बढ़ाए सिर्फ, वो भी अभी आके। तो
2024 के चुनाव में क्या मान के चले दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का? मुश्किल है, मुश्किल है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और जो तुम्हारे क्षेत्र के विधायक, वो भी जेजेपी के? जेजेपी के हैं, लेकिन वो भी चले गए ना उसके अंदर है। हाँ, तो वो वोट दिए थे, लेकिन ये उसके साथ मजा मिले तो फायदा क्या देने का? मतलब अब क्षेत्र में काम नहीं हो रहा कुछ, सरकार में होते कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा, कुछ हो भी रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। तो नाराजगी सिर्फ इस बात को लेके कि बीजेपी के साथ क्यों गए? गए क्यों गए, बस बात है, अलग रह जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार आराम से सरकार बनती है नहीं, वो बीजेपी के साथ जाके भी तो मुख्यमंत्री बन गए, क्या बना फिर बात बनेगा? तो अपना लालच देखे, पब्लिक की तरफ तो नहीं देखा ना, पब्लिक की तरफ तो देखा ही नहीं अपने को, तो 17 मक मिले बैठे बैठे रहो, अपने चलाओ फैक्ट्री। अच्छा चलो, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी बुजुर्ग हैं। आपका नाम क्या है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह, अजमेर जी, आपको क्या लगता है 2024 में क्या रुझान है? कांग्रेस का रुझान है भाई, कांग्रेस का रुझान है। बीजेपी की और जेजेपी की सरकार चल रही है, उससे कोई नाराजगी, क्या नाराजगी है? नाराजगी कोई काम में नहीं बन रहा ना, बच्चा रोजगार मिल रहा, कौशल चला दी, कौशल में भी नहीं रोजगार मिल रहे बच्चा ना, बच्चे वैसे घूम रहे हैं, बीए करे ना, जगह नहीं मिल रही। अच्छा, और यहाँ की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, जुलाना विधानसभा क्षेत्र है आपका, तो इसमें आपका जो विधायक हैं उनसे क्या नाराजगी आपकी? विधायक ने भी कोई काम नहीं करा गांव में। अच्छा, हाँ। गांव में आते हैं मिलने जुलने आते हैं कभी? एक के दो आया विधायक, काम में नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं हो रहा किसी पर भी। तो जो उम्मीद थी जेजेपी से, दुष्यंत चौटाला से, उस पे खरे नहीं उतरी पार्टी? नहीं उतरी, खरे नहीं उतरी, खरे नहीं उतरी। तो इस बार 2024 में कांग्रेस, कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी भी नहीं, इनेलो भी नहीं, वो कोई नहीं। हम इससे पहले तो इनेलो का गढ़ बताते हैं ना जुलाना को, इनेलो, इनेलो का गढ़ था, गढ़ हो लिया इनेलो का, अब नहीं है। अब इनेलो से भी नाराज? नाराज, उसके बाद कंडेला कांड के बाद इनेलो भी साफ। और जो दुष्यंत चौटाला है उनके बारे में कहते हैं कि युवा देवीलाल है, जैसे चौधरी देवीलाल ने अपने जमाने में काम करे वैसे ही मुख्यमंत्री होगा, 2024 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं जेजेपी वाले, तो क्या लगता है आपको, बनेगा दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री? नहीं बनेगा। कितने विधायक आ जाएंगे जेजेपी के, आपको क्या लगता है? जीरो विधायक आएंगे। अच्छा, कुछ और भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सारे बुजुर्ग नाराज दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से। आपका नाम क्या है? सूरजमल। सूरजमल जी, आपको क्या लगता है, आप भी नाराज हो? हाँ जी बिल्कुल। आप क्यों नाराज हो? क्यों, हमारा क्या कर दिया भाई? अच्छा है? नहीं, जैसा बीजेपी को पहले बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ा जेजेपी ने, और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, इस बात से नाराजगी कि पेंशन नहीं बढ़ाई? पेंशन वाली तो कोई नहीं, कर वादे सारे झूठे निकले इसके, बनाया कोई उसने मिलन खाते थोड़ा ही बनाया था, उसके खिलाफ तो वोट गिरे थे हमने, जेजेपी के खिलाफ पे गिरे थे, हाँ बीजेपी के। अच्छा। और उनने मजा मिले तो धोखा दे दिया है? हाँ बिल्कुल, इसी बात से नाराज हो? हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है आपको, अब अगर अलग होके चुनाव लड़े हैं तो दोगे वोट? ना किसी डाला जी, हम तो कांग्रेस न जाएंगे, लोक दल ने दे दे के लिए, इनमें तो सारे खत्म। और बीजेपी? बीजेपी भी देख ली, जमींदार का कमा बीजेपी ने के कर दिया, साल भर उड़ा बिठा के नरे झूठे वादे। और जो आपका विधायक है अमरजीत डांडा, उसके बारे में क्या कहोगे? अमरजीत डांडा भी देख लिया करे, कहवा लिया गांव में कुछ वादे वादे कर लिए है, वोट दोगे तो ना काम कराओगे तो वोट दे दियो, बता काम करेगा तो वोट मिलेंगे। हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई मुद्दे आपके गांव का विकास भी कुछ हो रहा है? ना कुछ विकास नहीं हो रहा लगी, कुछ विकास नहीं हो रहा। चलो इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? भूराराम। भूराराम, भूराराम जी, आप बताओ 2024 में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? जी हमने तो पूरा ध्यान लगा के देख लिया, जेजेपी को भाजपा की तरफ से खिलाफ वोट दे दी थी। हाँ। और यू जब भाजपा में मिला तो हमारा यू सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, हम इसने ना गम बढ़न देंदे हैं ना वोट देंदे हैं। मैं किसान उनका सेक्रेटरी भी हूँ,
मतलब ने इसका अमरजीत डांडा का बहुत सहयोग कराया, सिर्फ भाजपा के खिलाफ कराया। अमरजीत डांडा भी कहता है गाँव गाँव में जाकर मैं ये कर दूंगा, मैं डिप्टी सी एम बढ़ूंगा। जुलाड़ा कहता है हमने इतने काम कर दिया, कौन से काम में भी चले जाओ किसी गाँव में कोई काम नहीं हो रहा। हाँ एक काम खरा जरूर हो रहा है गाँव में, तीसरा दिन लुगाई आदमी लड़ना में ला रखे हैं, ठाला कागज बनवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, पिन कार्ड बनवा लो, आज फैमिली कार्ड ये कार्ड कार्ड बनाए हुए हैं और मारा कुछ नहीं करा। मीठे मीठे से लाला सौ सौ दो सौ दो सौ रुपया मारने लग रही है। तो आप मतलब नाराज हैं, अगर बात करें मुख्यमंत्री से ज्यादा नाराजगी उप मुख्यमंत्री से है? मुख्यमंत्री से भी है, भाजपा तो भी है, जे जे पी तो भी है, हमने तो सिर्फ काली चाहिए तो उड्डा चाहिए। अच्छा, और जो इनका गठबंधन अलग हो जा फिर कोई दिक्कत? गठबंधन कुछ नहीं, क्या कहें करो, कांग्रेस की वोट देंगे उड्डा के नाम को। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी बीच बीच में कमेंट कर ही रहे थे, नाम क्या है आपका? मेरा राजेश है। राजेश, राजेश जी आपको क्या लगता है, सरकार जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? किसी का विकास नहीं, अपना अपना विकास इन पर है। अच्छा, इन इनका होगा। और जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बना 2019 में, वो बीच बीच में खींचतान चली, कह रहे थे टूटेगा टूटेगा, टूटे तो है नहीं अब तक। आपको क्या लगता है चुनाव में इकट्ठे आवेंगे? सर इकट्ठे आओ तो अलग अलग आओ, कुछ नहीं। बीजेपी से ज्यादा नाराज हो जेजेपी से? मैं तो दोनों ऐसे नाराज हूँ फुल फुल। अच्छा, जेजेपी से नाराजगी की क्या कारण है? वो तो पूरे पूर्ण मिल गई ज्यादा है, वो बीजेपी मिल गई ज्यादा नाराज है। अच्छा, घर बैठे रहते आराम तो फिर तो फुल बहुमत आ जाते। नहीं, वो बीजेपी में मिल गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने विकास के काम करवाए, वो कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे। और अलग से रहता तो मुख्यमंत्री नहीं बन जाता वो, युवा गलत चुनाव में। तो सबसे बड़ी गलती कर दी दुष्यंत चौटाला ने? हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी गलती है उसकी। तो पिछले बार तो 10 विधायक आ गए थे जेजेपी के, अबकी बार दुष्यंत भी एमएलए नहीं बनता है। उचाणा पे भी विरोध है पूरा पूरा सारा है विरोध है। 500-500 वोट आओगे हल्का वाई जिनकी 90-90 न्यारे खड़े हुए। तो सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात को लेके? सारे एक वादा पूरा दिखा दे कर बता दे कोई सा करे तो, आप पे बता दे कोई वादा पूरा कर दिया। अच्छा, विधायक आते हैं वैसे आपके पास? हाँ बिल्कुल आवे है, आवंदा क्या नहीं। अच्छा, तो बात सुनते हैं आपकी, टायर पूरे का साव हो, बात सुनते हैं आपकी, फुल सुन है। एक युवा भी है गांव घिमाना में, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या आपका? सोमवीर भाई। सोमवीर, सोमवीर आप वोटर हैं, क्या लगता है आपको साल 2024 की तैयारियों को लेकर के कौन सी पार्टी में ज्यादा दमखम दिखाई दे रहा है? कौन सीएम हो बीच ना हो, बड़का का तो सारे का नाश कर दिया इसी ने सरकार ने। आर्मी थी जो वह 4 साल की कर दी, सब तो बड़ी थी यही खत्म कर दी, फिर के रह गया। कहते थे भाई चौधरी देवीलाल की छवि है दुष्यंत चौटाला में, तो है छवि की सह के कर दिया। एक वो ट्रैक्टर बैठ गई, वो छतरी बन गई, कड़े बैठा वो ओला ओढ़ के बैठा, उसका खट्टर का सीट भी धो रहा है। नहीं, वो अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बने हम, इसलिए ज्यादा काम नहीं करवा पाए। मुख्यमंत्री उन नमना होगा कौन, एक के वोट ले लियो, एक भी कोनी दास भी कोनी। इतनी नाराजगी, इतनी नाराजगी, नाराजगी और क्या होगा भाई। उसके खिलाफ तो वोट गेड़ी थी सारे ने उसके खिलाफ वोट गेड़ी थी बीजेपी का, और वो उससे तड़े बैठ गया। कारण क्या है? तो वादे जो पूरे नहीं हुए उससे ज्यादा नाराजगी है बीजेपी के साथ सरकार बना ली? बीजेपी का भी हर वादे भी को नहीं हो रहे पूरे, बीजेपी की तो मरल गया, उसकी तो घनी नाराजगी है, वादे की तो चलो देखे जाएगी। नाम क्या है? अमन नाम भाई। अमन, अमन 2024 में क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा भाई, कांग्रेस की सपोर्ट देंगे हम तो। कांग्रेस की वोट दोगे? बीजेपी जेजेपी सरकार के नाराज सारी नाराजगी है। दुष्यंत का वोट दी थी बीजेपी का, उसका एंटी बना था ये, फिर उसकी लुगाई बनकर जाएगा भी ठीक है। इस बात से ज्यादा घनी नाराजगी है? तो पिछली बार यहाँ विधायक जेजेपी का बना, इस बार तो नहीं होगा। और विधायक से कोई नाराजगी? विधायक तो भी होगा, मैं देखता क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। गाँव में ही नहीं आते विधायक? कदे आ गया तो के बेरा हम दिखता नहीं आया, बस वोट मांगना आता तो खेड़ा से पछ दिखा नहीं है। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? सन्नी भाई साहब। सन्नी? हाँ। सन्नी वोटर, वोट तो तुम भी देते होगे? हाँ भाई देवा। हाँ। अच्छा, क्या 2024 में क्या लग रहा है, कौन किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? कुछ नहीं, वही नाश हो रहा देश का, नाश कर दिया दुनिया का। नाम क्या है दोस्त? कुलदीप खोखर। कुलदीप खोखर, कुलदीप 2024 को लेके के रुझान है क्षेत्र में, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? भाई मैं तो घेरूंगा आबे की वोट, बाकी सारे जाट तो बीजेपी की घेरेंगे। अच्छा, बीजेपी तड़ा है। अच्छा, क्यों? हम तो खुश हाँ, बीजेपी तय, बीजेपी तय खुश हाँ, देश सुधार दिया जमा। अच्छा,
नहीं भ्रष्टाचार होया करता देश एक नंबर का काम आता है सब आगे काम दुआ रखे कागठ हुआ रखे एक नंबर का प्रधानमंत्री अपना देश का। गांव घुमाने के लोगों को आपने सुना और जुलाना विधानसभा क्षेत्र के हम अलग अलग गाँव में गए, लोगों ने जो कुछ राय दी वो आपने सुनी। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।